हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चलाके स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पेडागोजी देखने वाले हैं, ठीक है। आपके एग्ज़ाम्स में पेडागोजी आपके सिलेबस में दी हुई है और ये उसके अलावा सभी तरह के टीचिंग एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल हो साबित होगा, ठीक है। तो आज हम लोग पेडागोजी का एक और चैप्टर जो है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज ये देखने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज। तो इस टॉपिक के अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स हैं और किन टॉपिक्स को देखना ज़रूरी है आप लोग के लिए, उन सभी को हम लोग कवर करेंगे, उन सभी के बारे में हम लोग डिटेल्स यहाँ पर देखेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी वीडियोज़ अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, क्वेश्चन फॉर यू। एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। तो लर्निंग से रिलेटेड, जो अधिगम से रिलेटेड एक संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत है, उसमें पावलोव ने किसका प्रयोग किया था। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये बहुत आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर एक है बिल्ली पर, ऑप्शन नंबर दो है कुत्ते पर, ऑप्शन नंबर तीन है बंदर पर और ऑप्शन नंबर फोर है चूहे पर। तो आपको बताना है कि पावलोव ने जो है किस जानवर पर अपना प्रयोग किया था। तो ये सवाल बहुत ही इजी है, इसका जवाब अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि इस सवाल का जवाब आपको पता है कि नहीं और कितने लोग सही जवाब देते हैं। इसके अलावा अगर इस सवाल का जवाब आप लोग भूल चुके होंगे तो फिर से अपने नोट्स को, अपने बुक को पलटकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ठीक है। तो क्या होता है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल? इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को हिंदी में कहते हैं अनुदेशात्मक सामग्री। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। अनुदेशात्मक सामग्री, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो है, जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि अनुदेशात्मक अर्थ होता है निर्देश देना। तो निर्देश देना, जिन मटेरियल की मदद से निर्देश दिया जाता है उसको इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कहते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन दिया जाता है अर्थात जो वस्तुएं निर्देश देने का कार्य करती हैं उन्हें हम अनुदेशात्मक सामग्री यानी कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कहते हैं। शिक्षा क्षेत्र में अगर हम इसकी बात करें तो एक अध्यापक जिन जिन वस्तुओं से छात्र को निर्देश देता है उन सभी को हम अनुदेशात्मक सामग्री कहते हैं। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है उसको आप समझ गए होंगे कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का असल में मतलब क्या होता है। जिन मटेरियल की मदद से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उनको इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कहते हैं, यानी कि निर्देश देना या आदेश देना उनको अनुदेशात्मक सामग्री कहते हैं। एक शिक्षक किताब, मौखिक रूप से या किसी अन्य वस्तु से इशारा करके विद्यार्थियों को निर्देश देता है, वो सभी सामग्री अनुदेशात्मक सामग्री यानी कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के अंतर्गत आती है। जिन भी वस्तुओं का प्रयोग करके वो स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, उनको निर्देश देता है, चाहे वो उसके बुक्स हैं, चाहे चौक, डस्टर, ठीक है, इन सभी का यूज़ वो स्टूडेंट को किसी न किसी रूप में शिक्षा प्रदान करने में करता है। तो ये सभी चीज़ें जिसका यूज़ जो है एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के जरिए, शिक्षण देने के दौरान करता है, उन सभी को इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कहते हैं। ये सभी सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहलाते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये सभी जो सामग्रियां हैं जिनको हम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल या फिर अनुदेशात्मक सामग्री कह रहे हैं उनको सहायक सामग्री कहा जाता है, ठीक है, यानी कि टीचिंग में सहायक उनको सामग्री कहा जाता है, जिसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी कहते हैं, यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री, जिसको TLM के नाम से जाना जाता है। अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है TLM क्या है, तो यही है TLM, चाहे उसको आप सहायक सामग्री कहिए, चाहे टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहिए या फिर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कहिए, सब एक ही है। अब देखते हैं कार्टर ए गुड ने जो है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल या फिर जो सहायक सामग्री है उसके बारे में क्या परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को, ठीक है, ये प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीप्त किया जा सके यानी प्रज्वलित किया जा सके, अथवा श्रवण इंद्रिय। अब ये श्रवण इंद्रिय, ये जो वर्ड है उसका क्या मतलब है? श्रवण यानी कि सुनना और इंद्रिय यानी कि इंद्रिय तो आप जानते ही होंगे, यानी कि सुनने वाली इंद्रिय यानी कि कान, ठीक है। तो ये जो श्रवण इंद्रिय का मतलब हो जाता है कान, इसको याद रखिएगा। तो कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीप्त किया जा सके अथवा श्रवण इंद्रिय संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके वह सहायक सामग्री कहलाती है।
कोई भी ऐसी सामग्री जिसके द्वारा जिसे सुन करके स्टूडेंट की जो बौद्धिक क्षमता है उसका विकास होता है, उसमें प्रज्वलन होता है, वो सामग्री जो है सहायक सामग्री कहलाती है। तो ये सहायक सामग्री को आप समझिएगा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, इसी को कहा जाता है। अब है नेक्स्ट है अनुदेशात्मक सामग्री की विशेषताएं। तो जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज आपका चैप्टर है, ठीक है, तो ये जो रिसोर्सेज है वही है सहायक सामग्री, अनुदेशात्मक सामग्री। अब देखते हैं इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले नंबर पे है कि अध्यापक जिन जिन वस्तुओं के माध्यम से विद्यार्थियों को निर्देश देता है वो सभी अनुदेशात्मक सामग्री कहलाता है। ये इसकी पहली विशेषता है जिसको आप पहले परिभाषा में देख चुके हैं कि जिन भी वस्तुओं की मदद से अपने स्टूडेंट्स को टीचर जो है निर्देश देता है वो सभी सामग्रियाँ जो है अनुदेशात्मक सामग्री कहलाती है। सेकेंड नंबर है अनुदेशात्मक सामग्री वह सामग्री है जो पाठ्यक्रम के लिए निर्देश प्रदान करती है, यानी पाठ्यक्रम, ठीक है, इस सेंटेंस को कनेक्ट करके समझिएगा कि पाठ्यक्रम के लिए जो निर्देश प्रदान करती है। पाठ्यक्रम की परिभाषा आप लोग पहले देख चुके हैं, पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्यचर्या क्या होता है, तो उसे समझिएगा कि पाठ्यक्रम के लिए जो निर्देश प्रदान करती है जो भी सामग्री, वह सामग्री जो है अनुदेशात्मक सामग्री कहलाती है। छात्रों की अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उनकी जो अधिगम प्रक्रिया है यानी कि उनकी जो सीखने की प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया से वो सीख रहे हैं उसको और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इन सामग्रियों को उपयोग किया जाता है। ये सबसे बड़ी उनकी विशेषता है, ठीक है। अब उसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अनुदेशात्मक सामग्री यानी कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के अंतर्गत हम उन सामग्रियों को लेते हैं जिसमें एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अपने प्रकरण को समझाने के लिए जिन साधनों या सामग्रियों का उपयोग करता है, यानी कि एक शिक्षक जो है जिन भी सामग्रियों का उपयोग स्टूडेंट को अपनी बात को समझाने के लिए करता है, ठीक है, इसमें एक शिक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया में यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उसके दौरान अपने जो भी प्रकरण जिस भी विषय को जिस भी टॉपिक को वो समझा रहा है उसके लिए जो भी चीज़ें वो प्रयोग करता है वो सभी अनुदेशात्मक सामग्री है। अनुदेशात्मक सामग्री की क्या क्या उद्देश्य होता है वो देख लेते हैं कि आखिर किस लिए ये यूज़ किए जाते हैं, अनुदेशात्मक सामग्री क्यों यूज़ किए जाते हैं, क्या बिना अनुदेशात्मक सामग्री के भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो सकता है, तो फिर इसको यूज़ क्यों किया जाता है। पहले नंबर देखिएगा छात्रों में पाठ के प्रति रुचि जागृत करने के लिए। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है कि अनुदेशात्मक सामग्री यानी कि जो भी मटेरियल यूज़ किया जाता है उसके द्वारा छात्रों में पाठ पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। बालकों में तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना ये इसका एक उद्देश्य होता है, यानी कि जो तथ्यात्मक सूचनाएं हैं जो लिखित रूप में हैं तो कई बार वो बोरिंग हो जाती है। जब टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगता है तो कुछ चीज़ें स्टूडेंट्स को बोरिंग महसूस होने लगती है जिससे वो उनकी पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, तो उसको रोचक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए जो है अनुदेशात्मक सामग्री का यूज़ किया जाता है। मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक पढ़ा रहा है जो बच्चों को कुछ बोरिंग लग रहा है जिसमें सिर्फ तथ्यात्मक चीज़ें दी हुई हैं, सिर्फ लिखी हुई हैं, अगर उसको पढ़ाने के दौरान टीचर कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ कर लेता है, मान लीजिए मैप का यूज़ कर लेता है, उनको चित्रों के द्वारा दिखा रहा है। अब जैसे कि किसी छोटे बच्चे को चिड़िया की विशेषता बताई जा रही है, अब उस बच्चे को तो उसके बारे में समझ आ ही नहीं रहा है। अब उस बच्चे ने उस चिड़िया को मान लीजिए पहले कभी देखा ही नहीं है तो वो कैसे इमेजिन करेगा, उसको तो वो चीज़ें सब उसके सिर के ऊपर से जाएंगी, सभी चीज़ बोरिंग लगने लगेगी। तो अगर टीचर क्या करता है एक चिड़िया का चित्र बच्चों को दिखा देता है, ठीक है, तो जिससे बच्चे उस चिड़िया को देख करके उसको अपने असल लाइफ में इमेजिन कर सकते हैं, अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हैं, तो इस वजह से अनुदेशात्मक सामग्री का यूज़ किया जाता है। आगे देखेंगे हम लोग कि अनुदेशात्मक सामग्री के क्या क्या प्रकार हैं, चित्र हैं, वीडियोज़ हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है सीखने की गति में सुधार करना। तो अनुदेशात्मक सामग्री से सीखने की गति में भी सुधार आता है। छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाना, छात्र अधिक क्रियाशील बन पाते हैं अनुदेशात्मक सामग्री के प्रयोग से। अभिरुचियों पर आशानुकूल प्रभाव डालना, उनकी अभिरुचि जो है, ठीक है, उनकी जो अभिरुचि है, उनकी क्या चीज़ें वो पसंद करते हैं उन पर जो है आशानुकूल प्रभाव डालते हैं, अनुकूल प्रभाव डालते हैं, जैसा टीचर चाहता है वैसा प्रभाव डाल सकता है अपने अनुदेशात्मक सामग्री के जरिए। नेक्स्ट है तीव्र एवं मंद बुद्धि छात्रों को योग्यता अनुसार शिक्षा देना, यानी कि जो तीव्र और मंद बुद्धि स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स थोड़े
कम टैलेंटेड सामान्य से थोड़े नीचे स्तर के होते हैं, उन दोनों को उनके योग्यता के अनुसार शिक्षा दिया जा सकता है इन सामग्रियों की मदद से। नेक्स्ट है जटिल विषयों को भी सरस रूप में प्रस्तुत करना। तो जो कठिन विषय होते हैं जैसे मैथमेटिक्स हो गया या फिर कोई ऐसा विषय जो बिल्कुल तथ्यात्मक है जैसे हिस्ट्री वगैरह, तो उन सबको अनुदेशात्मक सामग्री के प्रयोग से सरस बनाया जा सकता है। सरस का मतलब होता है आनंदपूर्ण, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब है अनुदेशात्मक सामग्री के महत्व, इसके क्या क्या महत्व हैं। पहला देखिएगा कि सहायक सामग्री विषय को स्थायी रूप से सीखने तथा समझने में सहायक होती है, यानी किसी विषय को स्थायी रूप से उसके दिमाग में हमेशा के लिए वो चीज़ें बैठ जाए, वो सभी कॉन्सेप्ट जो हैं बिल्कुल क्लियर हो जाए, इसके लिए अनुदेशात्मक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। जहाँ शिक्षक का मौखिक वक्तव्य कम प्रभाव उत्पन्न करता है, वहीं दृश्य सामग्री पाठ को रोचकता प्रदान करता है। यानी कि जो अगर शिक्षक मौखिक रूप से सिर्फ वक्तव्य देता जाता है, सिर्फ एक भाषण की तरह रटते जाता है अपने पढ़ाए हुए चीज़ों को, वो कम प्रभाव उत्पन्न करता है। लेकिन जब वो देखने वाली चीज़ों को एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत करता है, मान लीजिए अगर किसी को हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, अब उसमें हिस्ट्री बिल्कुल उसको बोरिंग लगने लगेगी अगर किसी स्टूडेंट को कि इस सन में ये राजा हुए, इस जगह पर राज किया उन्होंने मध्य प्रदेश वाले एरिया में, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, लेकिन उसके जगह अगर टीचर मैप के जरिए समझाता है कि इस जगह पर इस स्थान पर इस सन में ये राजा हुए थे, इन्होंने राज किया था इस राजवंश ने, तो वो थोड़ा सा रोचक बन जाता है और देख करके उस मैप को स्टूडेंट आसानी से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता है। अब नेक्स्ट है आपका कि यह अनुभवों के द्वारा ज्ञान प्रदान करती है, ठीक है। तो जो अनुदेशात्मक सामग्री है उससे बच्चे अनुभव भी कर सकते हैं, जैसे कि किसी मॉडल के रूप में किसी मान लीजिए ग्लोब को बच्चा छू सकता है ना, तो अगर कोई भूगोल पढ़ा रहा है कोई टीचर किसी बच्चे को, तो वो ग्लोब के जरिए पृथ्वी के नक्शे को आराम से समझ सकता है कि पृथ्वी असल में दिखता कैसा होगा, किस तरह ये घूर्णन करता होगा, किस तरह घूमता होगा अपनी धुरी में, वो सभी अनुभव कर सकता है। फोर्थ नंबर है, यह शिक्षक के समय व ऊर्जा दोनों की बचत करता है। तो समय व ऊर्जा दोनों बचाता है, किसी कॉन्सेप्ट को एक टीचर जो है अनुदेशात्मक सामग्री की मदद से जल्दी कंप्लीट कर सकता है, अपने बच्चों को जल्दी से समझा सकता है। नेक्स्ट है, अध्यापन रुचिकर होने से छात्र अधिक सक्रिय होते हैं। तो अगर अध्यापन रुचिकर होगा तो स्टूडेंट जल्दी सक्रिय हो जाते हैं, बोर नहीं होते और पाठ को अधिक सरलता से ग्रहण करते हैं, यानी एक्टिव रहते हैं। क्लास में बच्चे एक्टिव रहते हैं, उनका दिमाग एक्टिव रहता है और जल्दी बोर नहीं होते और सरलता से ग्रहण कर लेते हैं, जो भी टीचर पढ़ा रहे उसको आसानी से उनका दिमाग कैच कर लेता है। नेक्स्ट है, अनुदेशात्मक सामग्री प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य बातें। तो अनुदेशात्मक सामग्री प्रयोग करते समय एक टीचर को क्या क्या ध्यान रखने चाहिए उसके बारे में भी देख लीजिए। पहला है कि ये सामग्रियाँ छात्रों के अनुभव, समझ, आयु के अनुसार होना चाहिए, यानी कि टीचर जिस भी आयु का है, ठीक है, अगर वो छोटा है तो उसके हिसाब से सामग्री यूज़ करना चाहिए, अगर बड़ा है तो उसके हिसाब से, उसकी समझ कम समझ वाला स्टूडेंट है या ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट है, उसको किस तरह का अनुभव है, क्या वह घूमने फिरने वाले स्टूडेंट है तो उसको वैसी चीज़ें दिखाई जाएंगी, और वो क्या घर में रहने वाला स्टूडेंट है तो उसको उस तरह की चीज़ें दिखाई जाएंगी जिससे वो परिचित हो, जिसका उनको अनुभव हो। तो टीचिंग ये जो है अनुदेशात्मक सामग्री का प्रयोग करते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सेकेंड है, सामग्री पाठ्य वस्तु से संबंधित होनी चाहिए। जो भी सामग्री टीचर यूज़ करता है उसका संबंध पाठ्य वस्तु से जरूर होना चाहिए, जिस भी टॉपिक को वो क्लियर कर रहे उससे जरूर होना चाहिए, हट के नहीं होना चाहिए। इससे क्या है कि स्टूडेंट कोरिलेट नहीं कर पाएंगे उस अनुदेशात्मक सामग्री को और अपने टॉपिक को कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है, सामग्री का चयन करते समय ध्यान रहे कि छात्रों में रुचि जागृत करने वाली हो, यानी कि सामग्री ऐसी चूज़ करना चाहिए कि जो छात्रों में रुचि जागृत करने वाली, ऐसा ना हो कि छात्र उससे और बोर होने लगे या फिर छात्रों को उसमें कोई इंटरेस्ट ही ना हो। ऐसा सामग्री यूज़ करें जिसको देखकर छात्र बहुत इंटरेस्टेड अपने आप को फील करें। अनावश्यक सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसे सामग्री का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो आवश्यक नहीं है, जिनको दिखाना आवश्यक नहीं है, ठीक है, जिनका सीधा संबंध नहीं है टॉपिक से, या फिर जिनको बिना दिखाए ही काम चल सकता है, तो ऐसे सामग्री को नहीं यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है, जितनी देर आवश्यक हो उतनी देर ही प्रयुक्त की जानी चाहिए। तो जो भी इंस्ट्रक्शनल यानी कि मटेरियल है उनका यूज़ जो है जितनी देर यूज़फुल हो, जितनी देर आवश्यक हो उतनी देर यूज़ किया जाना चाहिए, उसके बाद स्टूडेंट्स के सामने से उनको हटा लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है, उपयोग से पूर्व शिक्षक को एक बार उन सामग्री का कृत्रिम वातावरण में अभ्यास कर लेना चाहिए। कृत्रिम यानी कि खुद के बनावटी वातावरण में एक बार प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, ठीक है। यानी कि टीचर जिस भी सामग्री का यूज़ करता है उसका एक बार उसको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, स्टूडेंट को दिखाने से पहले एक बार उसका अभ्यास, उसका प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। तो आई होप इन सभी कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर एक बार में नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा आप वीडियो को पैक करके देख सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अनुदेशात्मक सामग्री के प्रकार किन किन प्रकार के होते हैं इसको एक बार देख लेते हैं। ये मुख्यतः तीन प्रकार के इनको माने जाते हैं और तीन प्रकार के ही होते हैं। पहला है श्रव्य सामग्री, दूसरा दृश्य सामग्री और तीसरा है श्रव्य दृश्य सामग्री। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, श्रव्य यानी सुनने वाली ऐसी सामग्रियाँ जिनसे बच्चे कुछ सुनते हैं, जिससे बच्चों को कुछ सुनाई देता है। दूसरा आ जाता है दृश्य सामग्री, जिसको देखा जा सकता है, ठीक है, बच्चे जिसको देख करके सीखते हैं। और तीसरे नंबर पर है श्रव्य दृश्य, यानी कि इसमें देखने और सुनने दोनों की गुण होते हैं, बच्चे इसको देख और सुन दोनों सकते हैं। आगे इसको थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं श्रव्य सामग्री। तो श्रव्य सामग्री जैसे मैंने बताया, जिसको बच्चे अपने कानों से, अपने श्रवण इंद्रियों से सुन करके जिसका अनुभव करते हैं और जिससे कुछ सीखते हैं उसको श्रव्य सामग्री कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के अंडर आ जाएंगे मानव ध्वनि, यानी कि अगर किसी की ध्वनि को सुन करके, सबसे पहला तो टीचर ही एक टीचिंग मटेरियल हो जाता है, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीचर खुद है, क्योंकि वो बच्चों को बोल करके पढ़ाता है तो बच्चे उसे सुन करके सीखते हैं। इसके अलावा टीचर अगर किसी को गेस्ट के रूप में भी ला करके उनसे लेक्चर दिलाता है अपने बच्चों को, तो वो भी एक तरह से मानव ध्वनि है। और किसी का रिकॉर्ड करके, किसी टीचर का रिकॉर्ड करके अपने बच्चों को सुनाता है, वो भी मानव ध्वनि के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर है टेलीफोन, टेलीफोन का जैसे रिकॉर्ड करके, टेलीफोन से किसी की आवाज़ को रिकॉर्ड करके फिर उसके ज़रिए बच्चों को कुछ शिक्षा दी जाती है, वो टेलीफोन के अंतर्गत आएंगे। ग्रामोफोन रिकॉर्ड आप समझ रहे होंगे, ग्रामोफोन उस टाइम जो ग्रामोफोन चलता था उसके रिकॉर्ड करके उसकी आवाज़ों का भी यूज़ किया जा सकता है बच्चों को कुछ भी सिखाने में। फिर है ऑडियो डिस्क, ऑडियो डिस्क जो सीडी में, जो ऑडियो वाली सीडी होती है उसका यूज़ किया जा सकता है। टेप है, ऑडियो टेप जो होता है जिसको कैसेट बोलते हैं, ऑडियो कैसेट, ठीक है, इस तरह की वाली। उसके बाद है रेडियो प्रसारण। इससे ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं सभी जो हैं श्रव्य सामग्रियाँ हैं। इन सभी से सुन करके कुछ ना कुछ सीखा जाता है। तो रेडियो प्रसारण भी आपको पता होगा, रेडियो प्रसारण होता क्या है, इसके जरिए भी बच्चों को कुछ शैक्षिक चीज़ों का ज्ञान दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है दृश्य सामग्री। अब देखिए दृश्य सामग्री क्या होता है। दृश्य सामग्री जैसे जिसको देख करके बच्चे सीखते हैं, यानी टीचर बच्चों को उन चीज़ों को दिखा करके कुछ समझाने का प्रयास करता है। जैसे कि पाठ्यपुस्तक, पाठ्यपुस्तक से आप सभी परिचित होंगे, आप सभी की जो पाठ्यपुस्तक है वो सभी दृश्य सामग्री के अंतर्गत आएंगे। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल वो दृश्य यानी देखे जा सके वाले पाठ्यपुस्तक हो गया, और उसके जितने भी सप्लीमेंट्री जितने भी बुक्स हैं वो सभी। फिर है इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया भी देखा जा सकने वाला दृश्य सामग्री है। इंसाइक्लोपीडिया, इसके बारे में नहीं पता होगा तो आप अच्छे से इंटरनेट में इसको सर्च मार के देख सकते हैं कि इंसाइक्लोपीडिया एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। फिर है स्व अधिगम सामग्री। स्व अधिगम सामग्री का मतलब होता है ऐसी सामग्रियाँ जिससे खुद से उनसे सीखा जा सके। जैसे कि कुछ चीज़ें जैसे कहानियों की किताब बच्चे खुद से घर में पढ़ते हैं, या फिर जो स्कूल्स में जो हैं फेयर बना करके, फेयर कॉपी बना करके रखते हैं जिसको घर में खुद से अध्ययन करते हैं, वो होता है स्व अधिगम सामग्री। फिर है डॉक्यूमेंट्स, किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स जो टीचर बच्चों को दिखाता है, या फिर जिसके जरिए, डॉक्यूमेंट्स के जरिए कुछ चीज़ों को, किसी कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करता है बच्चों को, वो डॉक्यूमेंट्स है। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ, ये भी टीचर के लिए समझाने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं बच्चों को, चाहे बड़े बच्चे हों, छोटे बच्चे हों। छोटे बच्चों के लिए कुछ पत्रिकाएं जैसे कि कार्टून वगैरह से रिलेटेड अगर पत्रिकाएं कोई आती हों वो हो सकती हैं। समाचार पत्र बड़े बच्चों के लिए यूज़फुल हो सकते हैं। उसके अलावा है डुप्लीकेट पठन सामग्री, जैसे कि कॉपीड जो पठन सामग्रियाँ आती हैं कई कोचिंग सेंटर में, जैसे डुप्लीकेट कॉपियाँ दी जाती हैं ना नोट्स की, तो वो हो सकते हैं बच्चों को डुप्लीकेट जो है पठन सामग्री दी जाती होगी किसी स्कूल में, वो सभी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के अंतर्गत आएंगी। दृश्य, ठीक है। उसके बाद है चित्रात्मक। अब देखते हैं कि
चित्रात्मक में क्या क्या आ सकता है, ये भी दृश्य सामग्री है चित्रात्मक जो है, जिसमें चित्रों के जरिए बच्चों को समझाया जा सकता है। उसमें भी दो प्रकार हैं, पहला है टू डायमेंशनल और दूसरा है थ्री डायमेंशनल। टू डायमेंशनल मतलब आप लोग समझ रहे होंगे 2D जिसको बोलते हैं 2D, और थ्री डायमेंशनल यानी कि 3D। तो 2D मतलब कि जो समतल होती है, जिनको छूने से उभरा हुआ प्रतीत नहीं होता, जैसे कि चौक बोर्ड लेखन, चौक के द्वारा बोर्ड में जो लिखते हैं वो टू डायमेंशनल है। चार्ट बनाना जो है दृश्य सामग्री है, चार्ट के जरिए अगर बच्चों को किसी चीज़ का समझाया जा रहा है, मान लीजिए फलों के चार्ट बनाए गए हैं कि ये इन इन प्रकार के फल होते हैं, है ना, चार्ट में उस सब का नाम लिखा हुआ होता है, सब्जियों के चार्ट बनाए जाते हैं, तो इस तरह से चार्ट हो गया। फिर पोस्टर भी बनाए जाते हैं, किसी चीज़ का पोस्टर बना दिया, ठीक है, फल का पोस्टर बना दिया, सब्जियों का पोस्टर बना दिया। मानचित्र, बच्चों को मानचित्र के जरिए समझाया जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा सकता है, भूगोल पढ़ाया जाता है, इतिहास पढ़ाया जाता है मानचित्र के जरिए। आरेख खींच करके, मान लीजिए बोर्ड में कोई आरेख बता रहे हैं, ठीक है, आकृतियाँ, बोर्ड में कोई आकृति बना करके दिखा दिए कि ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, इसको गोला कहते हैं। फोटोग्राफ्स, कुछ फोटोग्राफ दिखा दिए किसी चीज़ के बारे में, किसी चिड़िया की फ़ोटोग्राफ छोटे बच्चों को दिखा दी गई, फल सब्जियों के फ़ोटोग्राफ दिखा दिए गए, ठीक है, बड़े बच्चों को हिस्ट्री से रिलेटेड किसी महापुरुष के फ़ोटोग्राफ्स दिखा दिए गए, तो इस तरह से हो सकते हैं। कार्टून, छोटे बच्चों को कार्टून दिखा दिए गए। मनोरंजक पट्टियाँ, तो ये छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष तौर पर मनोरंजक पट्टियों का जो है क्रिएट किया जाता है इनको, तो इस तरह के सभी टू डायमेंशनल जो है चित्रात्मक दृश्य सामग्रियाँ ये सभी होते हैं। अब आते हैं थ्री डायमेंशनल में। प्रतिरूप यानी कि जो मॉडल होता है, किसी चीज़ का मॉडल बच्चों को दिखाया गया, कोई छोटा मॉडल, मान लीजिए कि जैसे ताजमहल, ठीक है, ताजमहल, अब हर बच्चों को तो आगरा नहीं ले जाया जा सकता ताजमहल दिखाने के लिए, तो उनको ताजमहल का प्रतिरूप, उसका मॉडल दिखाया जा सकता है। फिर है ग्लोब डायग्राम, ठीक है, तो ये त्रिविमीय एक प्रदर्शन है ग्लोब का जो डायग्राम है, ठीक है। ग्लोब जो होता है वो 3D ही होता है, उसको छू करके बच्चा देख सकता है कि वो घूमता कैसे है, उसका एक स्टैंड रहता है और बच्चा इस तरह से उसको घुमा करके देख सकता है कि अच्छा पृथ्वी इस तरह से घूमती है। उसके बाद है चित्रावली, चित्रों की एक पूरी आवली यानी कि बहुत सारे चित्रों से संबंधित एक बुक दिखाई जा सकती है। नकल यानी कि डुप्लीकेट, किसी चीज़ का डुप्लीकेट। फिर है रिलीफ मैप यानी उभारदार नक्शा, कोई ऐसा नक्शा जो 3D हो, जिसको छूने से उभरा हुआ प्रतीत होता हो, पहाड़ उसमें उभरे हुए हों, तो उसको रिलीफ मैप बोला जाता है, यानी कि उभारदार नक्शा। फिर है नमूने, तो ये जो नमूना है वो यही हो गया, प्रतिरूप ही हो गया। और उसके अलावा है होलोग्राम, तो इन सभी चीज़ों को थ्री डायमेंशनल चित्रात्मक और दृश्य सामग्रियों के अंतर्गत रखा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे आपका दिया हुआ है श्रव्य दृश्य सामग्री। तो हम लोगों ने जो तीसरा प्रकार पढ़ा हुआ था, श्रव्य दृश्य सामग्री यानी कि जिसको देखा भी जा सकता है और जिसको सुना भी जा सकता है, सुनने और देखने दोनों के उसमें गुण होते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है चलचित्र फिल्में, यानी कि जो भी मूवीज़ होती हैं, फिल्में होते हैं, कार्टून्स होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो गई, ठीक है, ये सभी जो हैं जिसमें साउंड भी होता है, और चलचित्र जो मूवीज़ भी होती है और जिसमें साउंड भी होता है। सेकेंड है इसमें टेलीविज़न आ जाता है, टीवी के जरिए बच्चों को कुछ दिखा दिया गया किसी दिन, ठीक है, किसी नेता का कोई लेक्चर दिखा दिया गया, या फिर कोई कार्टून दिखा दिया गया, कोई मूवीज़ दिखा दी गई स्कूल में, तो ये टेलीविज़न भी जो है श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत आएगी। फिर है वीडियो डिस्क कैसेट, यानी कि जो CD DVD कैसेट्स जो होते हैं, ठीक है, उनके जरिए भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, उसको प्रोजेक्ट करके। फिर है स्लाइड, कंप्यूटर में जो स्लाइड बनाई जाती है, एक के बाद एक जो चित्र प्रदर्शित किए जाते हैं जिसमें साउंड भी हो, ठीक है, तो ये जो है स्लाइड भी श्रव्य दृश्य सामग्री में आ जाएगी जिसमें साउंड हो, ठीक है। उसके बाद है टेप प्रस्तुतिकरण, टेप के जरिए भी बच्चों को श्रव्य दृश्य जो है अधिगम प्रदान किया जा सकता है। इसके अलावा है मल्टीमीडिया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर खुद एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट जो है श्रव्य दृश्य सामग्री होता है, जिसको देखा और सुना दोनों जा सकता है। कंप्यूटर में कई अलग अलग तरह के काम हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा एक और सामग्री है, जैसे कि प्रोजेक्टर, आप लोगों को पता होगा प्रोजेक्टर का क्या यूज़ होता है। प्रोजेक्टर वाली जो मशीन होती है उससे एक रोशनी निकलती है, जिसे सामने वाले वाइट पर्दे पर फोकस किया जाता है,
और उसके जरिए कोई मूवीज़ बच्चों को दिखाई जाती है, कोई डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है। तो ये प्रोजेक्टर भी है एक, जो है बहुत इम्पोर्टेंट दृश्य श्रव्य सामग्री होती है स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, जिसके जरिए प्रोजेक्ट करके कोई मूवीज़ वगैरह दिखाई जाती है। तो ये कंप्यूटर प्रोजेक्टर ये सभी दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। तो ठीक है, इतनी था आज के वीडियो में, आज का जो हमारा टॉपिक था इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ठीक है, उसके बारे में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ठीक है, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं उसका आप नोट्स भी बना सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट्स खींच करके रख सकते हैं। तो आज का जो पेडागोजी का टॉपिक था हमारा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज, उसको हम लोगों ने जानने का प्रयास किया और आशा करता हूँ कि काफ़ी कुछ आपको समझ में आया भी होगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा, और लाइक करने से क्या है मनोबल भी बढ़ता है ताकि आप लोग के लिए इसी तरह से वीडियोज़ जो हैं बनाते रहें। और ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स आपको इसी चैनल पर लेटेस्ट मिलते रहेंगे और इस चैनल पर आपके तैयारियों से रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।